हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पारुल और स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल कुकर्स में। आज मैं लेकर आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी। गुजरात की ये रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। मैंने पहली बार ट्राई किया, मुझे नहीं पता था कि इतनी टेस्टी लगेगी। लिटरली बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही आसानी से बन भी जाती है। तो इसे बनाने के दो तरीके हैं, मैंने थोड़ा आसान वाला चूज़ किया है। मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताऊँगी, एक तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊँगी और दूसरा मैं आपको बता दूँगी। तो मैंने एक कप बेसन लिया है, सेम मैंने एक कप ही दही लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर डाला है, हल्दी पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिली को अच्छे से क्रश कर लिया था, आप यहाँ पर ग्रीन चिली पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जिंजर पाउडर यानी सॉल्ट का पाउडर डाला है, आप यहाँ पर जिंजर का पेस्ट भी ले सकते हैं। अब इसको अच्छे से विस्कर की हेल्प से विस्क कर लेंगे, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। मैंने थोड़ा सा दही डाल करके पहले मिक्स किया है। अब मैं दो कप यहाँ पर पानी डालूंगी, यानी एक कप बेसन में मैंने यहाँ पर दो कप पानी लिया है। अब इसकी अच्छे से बढ़िया तरीके से स्लरी बना लेंगे, बहुत ही अच्छे से इसका जो है घोल हम बना लेंगे, धीरे धीरे से चलाते हुए अच्छे से, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर घोल बन जाएगा। सबसे पहले तो मेरे को कमेंट करके बता देना कि आप में से किस किस ने खांडवी बनाई है और खांडवी खाई है तो आपको कैसी लगती है। भाई मेरे को तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, मुझे नहीं पता था खांडवी इतनी अच्छी लगेगी। लिटरली बहुत ही टेस्टी लग रही थी और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल फ्लेवर थे लेकिन बहुत ही टेस्टी थी। तो अब ये देखिए हमारा घोल बन चुका है। अब मैंने यहाँ पर लिया है पैन, पैन में मैं अपने जो ये घोल है उसको स्ट्रेन कर लूंगी, अच्छे से छान लूंगी ताकि एक फाइन मिक्सचर जो है मेरे पास मेरे को मिल जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी का यूज करूंगी, आपको ज्यादा पानी यहाँ पर नहीं डालना है, दो कप ही इनफ था, बस थोड़ा सा कि छन्नी हमारी अच्छे से साफ हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पर डाल लिया। ये देखिए बहुत ही अच्छे से गैस की फ्लेम मेरी लो रहेगी और लगातार आपको इसे चलाते रहना है। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियां पड़ जाएंगी, तो लगातार आपको धीरे धीरे हाथों से इसको चलाते रहना है जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए और बेसन आपका पक ना जाए। तो एक तरीका तो ये है जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ कि मैं इसे पहले पका रही हूँ। दूसरा तरीका क्या है कि हम घोल बना लेते हैं, घोल बनाने के बाद हम इसको करते हैं स्टीम। आप कोई भी प्लेट ले लीजिए, कोई भी थाली ले लीजिए, उसमें आप अपना जो ये बैटर है बहुत ही थिन लेयर इसकी फैलाइए और इसको किसी भी स्टीमर में अच्छे से स्टीम कर लीजिए 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर इसकी रोल बना करके खांडवी बन जाएगी। तो एक तरीका तो वो हो गया और दूसरा तरीका ये है, मेरे को ये वाला ज़्यादा आसान लगा। लिटरली बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। सबसे जो मेन काम है वो है लगातार चलाना, क्योंकि इसे 2 से 3 मिनट तक आपको बहुत ही अच्छे से चलाना होता है, ये घाड़ा होता है तो थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ लगानी होती है यहाँ पर। तो ये देखिए ये घाड़ा होता जा रहा है, पर अभी हमारा ये अच्छे से नहीं हुआ, ये देखिए अब अच्छे से हो गया। आप इसे ना चेक भी कर सकते हैं प्लेट या थाली पर फैला के। ये देखिए अब हमने एक यहाँ पर थाली ले ली है और उसके पीछे मैंने ऑयल अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब मैं जो अपना बैटर है वो यहाँ पर अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी, बहुत ही थिन लेयर मैं यहाँ पर इसकी स्प्रेड करूंगी। आप कोई भी ऐसा पलटना ले सकते हैं, कोई भी एक स्पैचुला ले लीजिए और उसकी हेल्प से आप यहाँ पर अपना जो ये बैटर है इसको अच्छे से फैला लीजिए। बहुत ही थिन लेयर आपको यहाँ पर फैलानी है, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरीके से कर लीजिएगा। आपको बाकी मैंने दोनों आपको प्रोसेस बता दिए, आपको जो भी पसंद आए, आपको जो भी आसान लगे, आप उस तरीके से यहाँ पर खांडवी बना सकते हो और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ज़रूर बनाएं। इतने में ये फैला रही हूँ, आप जाकर के जल्दी से मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के सब्सक्राइब कर दे, और हमारी वीडियो कैसी लग रही है लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना कि आपको खांडवी कैसी लगती है, आपने कहाँ पर खांडवी खाई थी और खाई नहीं है तो कब बनाने वाले हो, सब कुछ बता देना मेरे को, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने एक पतली सी लेयर इसकी फैला ली है, बहुत ही फाइन सा मैंने यहाँ पर इसको स्प्रेड कर लिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, बाकी बहुत ही आसानी से बन जाती है और टाइम भी बहुत कम लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको पकाने में या इसको फैलाने में, बहुत ही आसानी से यहाँ पर सारे काम हो जाएंगे अगर आप सही डायरेक्शन में जाएंगे तो। ये देखिए बहुत ही अच्छे से फैल गया है, ये देखिए अभी देख ही रहे होंगे बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पर जो अपनी खांडवी है उसको फैला दिया है। ये देखिए बढ़िया, अब ये खांडवी हमारी फैल चुकी है, अभी इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अब हम इसकी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी ऑयल को गर्म होने दूंगी। अब यहाँ पर डालूंगी मैं 1 चम्मच सरसों दाना, आप यहाँ पर रई का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए सरसों दाना को मैं अच्छे से भुनने दूंगी, बहुत ही अच्छे से हमको सरसों दाना को भून लेना है। ये देखिए अब मैं यहाँ पर डालूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये देखिए अब मैं इसको भी बहुत ही अच्छे से अपने तेल के साथ और सरसों दाना के साथ भून लूंगी। आप यहाँ पर कोई भी एडेबल ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, जो आप घर में तेल यूज़ करते हैं उस चीज़ का,
तेल आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये देखिए हमारी जो हरी मिर्च है वो भी लगभग भुन चुकी है। आप हरी मिर्ची को साइज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च आप ले सकते हैं, बड़ी बड़ी आप काट करके ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रेड चिली का यूज़ नहीं करते हैं, तो जो भी मिर्च वगैरह लगेगी वो हरी मिर्चों से आएगी, तो इसका ना एक नेचुरल फ्लेवर आता है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा कड़ी पत्ता। भाई गुजरात में ना कड़ी पत्ता तो बहुत ही ज्यादा मेन होता है, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सिसेमी सीड्स यानी तिल के बीज। तो तिल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, सफेद तिल का मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर तेल में वो भी डाल दिया है। तो भाई गुजरात में कड़ी पत्ता और सरसों तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये देखिए हमारे तिल वगैरह भी सब भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी थोड़ा सा कसा हुआ नारियल। मैंने नारियल को थोड़ा सा ग्रेट कर लिया था। आप यहाँ पर सूखा नारियल या नारियल का बुरादा वगैरह भी ले सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये लोग खांडवी में डालते हैं। और हाँ मैं एक आपको चीज बताना भूल ही गई कि यहाँ पर ना वो लोग चीनी भी डालते हैं, तो अगर आपको थोड़ा खट्टा मीठा सा मतलब मीठे का फ्लेवर ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पर जो हमने स्लरी बनाई है उसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात में ना मोस्टली उनके सारे खानों में मीठा होता ही है, तो वहां पर तो मीठा मेन है, लेकिन हम लोग कम खाते हैं तो इसलिए हमने नहीं डाली है, तो आप चाहे तो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमारा जो तड़का है वो तैयार हो गया, हमारी खांडवी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम तड़के को अपनी खांडवी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए आप अच्छे से सारी चीजों को खांडवी पर लगा दीजिए बहुत ही अच्छे से। ये देखिए बहुत ही लिटरली बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में भी, और तड़के की जो स्मेल है ना वाओ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर मैं कट करूँगी इनकी स्ट्रिप्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने लेंथ के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको चाहिए आप उस तरीके से स्ट्रिप्स की कट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मैं किस किस साइज़ की यहाँ पर कट कर रही हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से निकल जाएगी, बिकॉज हमने यहाँ पर नीचे जो है सरफेस पर तेल लगा रखा है। आप कोई भी सरफेस पर इसको फैला सकते हैं, घर में तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, किसी में भी फैला दीजिएगा, बहुत ही आसानी से निकल आती है, कोई टेंशन वाली बात होती नहीं है। खांडवी बनाना लिटरली मुझे सबसे आसान काम लगा। ये देखिए अब मैं इसको इधर से भी कट कर दूंगी, क्योंकि ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं मैं बनाऊंगी। ये देखिए बहुत ही आसानी से अब निकल जाएगी। अब क्या करने हैं, बस सिंपली इनके ना रोल बना देने हैं, बहुत ही आसानी से देखिए इनके रोल बन जाएंगे। अब देख ही रहे होंगे, देखिए बहुत ही आसानी से धीरे 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 यहाँ पर रोल बन जाएंगे। ये देखिए वाओ, हमारी खांडवी ना लगभग हमें शायद 10 ही मिनट लगे होंगे उसको बनाने में, और 10 मिनट में हमारे जो खांडवी के रोल्स है ना वो बन करके बिल्कुल तैयार है। लिटरली बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। ये देखिए अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से यहाँ पर बना लूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से उतर रही है, बहुत ही अच्छा रोल बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती भी है। तो जैसे कि मैंने कहा मैं आपको 100% इसे रिकमेंड करूंगी कि आप एक बार ज़रूर बनाकर देखना, घर पर लिटरली बहुत ही आसानी से बन भी जाती है, और अपने हाथ का कमाल कुछ और ही होता है ना, अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ तो हमें वैसे भी अच्छी लगती है, लिटरली बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए हमारी खांडवी बनकर के बिल्कुल तैयार है, 10 मिनट भी नहीं लगे हैं इसको बनाने में, और खाने में तो 1 मिनट भी नहीं लगा है, 1 मिनट में एकदम सफाचट हो गई है। लिटरली बहुत ही अच्छी लगी सबको घर में, हमने पहली बार ट्राई करी थी और बहुत ही टेस्टी लग रही थी, कुछ नया हमने आज ट्राई करा था, वरना हम गुजरात की रेसिपीज खाते रहते हैं बट ये हमने पहली बार ट्राई करी थी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और हमारे चैनल रॉयल कुकर्स को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, थैंक यू, और मुझे बताना आपने खांडवी खाई है या नहीं, खाई है तो कहाँ पर खाई है और आपको कैसी लगी है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय करो हमारी वीडियोज़।